अगर आपको यहाँ पे जानना है कि डीएनए के क्या क्या कार्य होते हैं और वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही पढ़ा जाएगा कि डीएनए के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हेडिंग है डीएनए के कार्य, और यहाँ पे इंग्लिश में कहा जाता है जैसे फंक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए के जो मुख्य कार्य हैं, मेन वर्क, वो क्या क्या है। यहाँ पे पहला है कि यह कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को रेगुलेट करता है, ठीक है, यानी कि कोशिका यानी कि सेल सेल के अंदर जितने, ठीक है, सेल के अंदर जितनी कोशिका होती है, ठीक है, उन सब में, ठीक है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, या तो उसके अंदर डायरेक्ट डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए। तो यहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं, और यहाँ जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और हर एक कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है ये कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को रेगुलेट करता है, यानी कि उनका नियमन करता है, ठीक है, एक जगह सेंटर में बैठ करके, ठीक है, अच्छा, कोशिका होती है बीच में बैठा रहता है और यहीं से पूरी कोशिका को जो है रेगुलेट करता है कि कहाँ पे क्या करना है, कौन सा काम करना है, ठीक है, सारे सब काम को जो है डीएनए करता है, करवाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, यह अनुवांशिक गुणों एवं सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, क्या करता है, ये जो है अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर एंड सूचना, मतलब जो है दोनों गुणों एवं सूचनाओं को एक पीढ़ी से, यानी कि यहाँ पे पापा हैं तुम्हारे, पापा और मम्मी से जो है तुम पैदा हुए, ठीक है, तो ये जो तुम पैदा हुए हो तुम्हारे पापा और मम्मी के जो गुण है, कैरेक्टर है, ठीक है, वो सारे कैरेक्टर तुम्हारे अंदर आएंगे, ये डीएनए का ही काम होता है, ठीक है। जो डीएनए की सेल होती है यानी कि डीएनए, डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है, वही चीज जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, ठीक है। डीएनए जो होता है वही अनुवांशिक गुणों को एवं सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, ठीक। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, यह आरएनए का संश्लेषण करता है, ठीक है, आरएनए की सिंथेसिस भी यही करता है, ठीक है। यहाँ पे आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चौथा पॉइंट है डीएनए, डीएनए में प्रतिकरण या द्विगुणन की क्षमता होती है, यानी कि डीएनए से डीएनए खुद बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। इसके अलावा जो डीएनए होता है अगर ये नहीं होता तो जीवों में जन्म संभव नहीं होता, यह डीएनए पाया जाता है इस वजह से जीवों में जो जन्म होता है यानी कि प्रजनन, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन, क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन संभव है ना। अगला पॉइंट इसी में है कि जो डीएनए होता है ये अनुवांशिक लक्षणों को यानी कि जेनेटिक जेनेटिक कैरेक्टर को, इसका जो अनुवांशिक लक्षण होता है, इन सारे अनुवांशिक लक्षणों का अस्तित्व भी बना मतलब बनाए रखता है, ठीक है। इस डीएनए की वजह से अनुवांशिक लक्षणों का अस्तित्व भी बना रहता है ना। यहाँ पे अगला पॉइंट है, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्रिक था, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक वाले क्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिक साहब हैं इन्होंने क्या दिया, सेंट्रल डोगमा दिया, ठीक है, जिसमें जो है डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन भी बन रही है, और यहाँ डीएनए से डीएनए खुद बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो पहला पॉइंट है डीएनए से डीएनए बन रहा है इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। अगला पॉइंट है डीएनए से, यहाँ पे जो डीएनए से डीएनए बन रहा है इसे कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे जो डीएनए से फिर से आरएनए बन रहा है पहली बार, ठीक है, यहाँ डीएनए से आरएनए बन रहा है इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, समझ गए। डीएनए के मुख्य जो कार्य हैं ये बस इतने ही है, ठीक है, ये चार पॉइंट, ये डीएनए के मुख्य कार्य हैं, ये आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, ठीक।